Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. शादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है परफेक्ट हेयर कट। जिस दिन आपके घर में शादी है या फिर आपकी शादी है उससे एक हफ्ता पहले मेक श्योर करें कि आप हेयर कट जरूर करा लें। इस टाइम पे आपको कोई भी नए सैलून में नहीं जाना है, जिसमें आप पहले से जाते हैं उसी में ही आपको जाना है, जिससे कि आपका हेयर कट खराब ना हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा हेयर कट हमें कराना चाहिए। मैं आपको एक ऐसा हेयर कट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, एटलीस्ट एक डेढ़ महीने के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी और आपको वापस से हेयर कट नहीं लेना पड़ेगा। ये है फेडेड हेयर कट, जो कि मेरा फेवरेट है और हर फेस टाइप पे ये चला जाता है। फेडेड हेयर कट जैसा नाम सजेस्ट करता है, आपका जो साइड के पार्ट है वो पूरा का पूरा फेडेड होगा। तो नीचे से आप 0.5 mm पे रख सकते हैं या फिर 1 mm पे रख सकते हैं, मीडियम साइड पे आप 1.5 या 2 mm पे रख सकते हैं और ऊपर के जो आपकी लेंथ है बालों की वो आप मीडियम या फिर शॉर्ट जैसे भी आपको रखना है वैसे रख सकते हैं। एंड दैट्स इट। हेयर कट के बाद आप बियर्ड भी जरूर ट्रिम कराइए एंड मेक श्योर कि आपकी जो बियर्ड की लाइन है वो बार बार प्रॉपरली सेट करें, क्योंकि हम हेयर कट एक हफ्ता पहले करवा रहे हैं तो हमें एक हफ्ते तक इस बियर्ड लाइन को मेंटेन करना है घर में भी, जिससे कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये हो गया हमारा फेडेड हेयर कट रेडी, बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आता है। अब क्योंकि हमने एक हफ्ते पहले ही बियर्ड और हेयर कट करवा रखा था तो बाल तो हमारे प्रॉपरली सेट हो गए हैं, बट बियर्ड थोड़ी थोड़ी ग्रो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि कोई भी अच्छा ट्रिमर यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फिलिप्स का 7000 सीरीज़ का ट्रिमर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं, ये 12-in-1 ट्रिमर है जिसमें आपको शरीर के हर बॉडी पार्ट से रिलेटेड अटैचमेंट मिल जाएंगे और एक ही ट्रिमर से आप पूरी बॉडी की ग्रूमिंग कर सकते हैं। अब मैं जो बार्बर ने हमारी बियर्ड लाइन बनाई थी उसी को फॉलो करते करते अपनी बियर्ड को ट्रिम कर रहा हूँ, जिससे कि लाइन एकदम प्रॉपरली आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैं अपने नोज के एक्स्ट्रा हेयर को भी ट्रिम कर रहा हूँ। शादी में हम लोगों को अपने ग्रूमिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए बॉडी हेयर रिमूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों के घर में एक फंक्शन होता है जहाँ पे दूल्हे को सबके सामने तैयार किया जाता है, वहां पे अगर आपके शरीर पे बाल होंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑड लगता है। तो अपने बॉडी हेयर पूरी तरह से जरूर ट्रिम करिए, और क्योंकि हम एक हफ्ता पहले ट्रिम कर रहे हैं तो जब तक फंक्शन स्टार्ट होंगे तब तक आपके छोटे छोटे शरीर में बाल ऑलरेडी ग्रो हो जाएंगे, जो कि आपको रफ एंड टफ और सेक्सी लुक जरूर देंगे। तो चेस्ट के, शोल्डर्स के, अंडर आर्म्स के, जहां जहां पे भी आपके बाल आते हैं वो सारे हटा लीजिए। ऑल्दो आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके परिवार में या किसी फ्रेंड्स में किसी की शादी है तो भी आपको बॉडी हेयर जरूर ट्रिम करने चाहिए, क्योंकि लड़कियों को आजकल क्लीन लड़के ही पसंद है। वो जमाना चला गया जब लड़कों के शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल होते थे और लड़कियों को वो अट्रैक्ट करते थे। आजकल लड़कियों को क्लीन लड़के ही अच्छे लगते हैं, सो प्लीज रिमूव योर बॉडी हेयर्स। मैंने भी अपनी शादी में अपने बॉडी हेयर ट्रिम करे थे एक हफ्ता पहले, एंड ट्रस्ट मी, जब मैं कहीं बाहर गया था घूमने, अपने हनीमून पे गया था, तब तक बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा सटल हो गए थे। तो ये ट्रिक है जो कि कोई भी शेयर नहीं करता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली यू शुड फॉलो। बॉडी हेयर्स प्रॉपरली ट्रिम हुए हैं या नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके सारे बॉडी हेयर्स ट्रिम हो जाएं, आप एक बार हाथ ऐसे फेर लीजिए पूरे शरीर में, जितने भी एक्स्ट्रा बाल जो चिपके होते हैं शरीर में वो सारे सारे निकल जाएंगे। देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे एक दो बाल रह गए तो आप उनको वापस से रीट्रिम कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट एरिया के बाल भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, आप इंटीमेट जरूर होंगे शादी के बाद तो वहां पे भी जंगल एक होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट एरिया के पास बाल हटाने के लिए आप इस टाइप का एक छोटा सा मिरर ले सकते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रख लीजिए, दोनों पैरों को स्प्रेड करके आप ऐसे ट्रिमर की हेल्प से हटा सकते हैं, या फिर आप कोई भी हेयर रिमूवल स्प्रे या क्रीम यूज कर सकते हैं, ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है। इसके बाद एक जल्दी से पानी से रिंस कर लीजिए अपनी बॉडी को, जिससे कि आपके शरीर में जितने भी एक्स्ट्रा बाल चिपके होते हैं वो सारे के सारे निकल जाए। अब क्योंकि आपकी शादी है या आपके घर में किसी की शादी है तो अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल और एक्स्ट्रा केयर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ राइस वाटर थेरेपी, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देती है आपके बालों और आपकी स्किन के लिए। तो मैं यानी यहाँ पे एक कटोरी चावल को एक बार अच्छे से धो के ओवरनाइट सोक कर लिया है। अब मैं इस राइस वाटर को यूज करूंगा अपने हेयर पे, ये हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ साथ आप इस पानी को अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन में एक अलग सा ग्लो लेकर के आती है। इसके 10-15 मिनट बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ मामा अर्थ का अनियन शैम्पू, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे बालों में एटलीस्ट सूट करता है। तो एक माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी बॉडी स्क्रब पड़ा है उसको थोड़ा सा ले लीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बॉम्बे शेविंग का कॉफ़ी स्क्रब, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस कॉफ़ी स्क्रब को हम अपने फेस पे नहीं अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे काले बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि कोहनी का एरिया, नेक का एरिया, वहाँ पे इसको आपको अप्लाई करना है। अच्छे से स्क्रबिंग करिए जिससे कि जितनी भी डेड स्किन है वहाँ पे निकल जाए और आपकी पूरी बॉडी एक इवन टोन में आ जाए। ये मैंने अपनी शादी में 7 दिन पहले से शुरू कर दिया था, तो आप भी शुरू कर सकते हैं और एवरीडे कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जेंटल स्क्रब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे हैं। लड़कियाँ इतना ज़्यादा ब्राइडल केयर करती हैं महीनों पहले से, तो हम लड़के भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारा भी हक बनता है स्पेशल फील होने का। इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल का मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। ये विंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस। इसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप सोप यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि सोप हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लक्स का बॉडी वॉश, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड डेफिनेटली यूज़ अ लूफा जिससे आपकी पूरी बॉडी एक्सफोलिएट हो जाए। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबके सब ईजिली अवेलेबल है अमेज़न से, उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। बहुत सारे लोगों को डार्क इनर थाइस की प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली वो जो लूफा है वो वहाँ पे भी ज़रूर अप्लाई करिए अपने नीज एरिया के पास, वहाँ पे भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फेशियल। लड़के लोग बाहर जाकर के सैलून वगैरह में 2,000-3,000 का फेशियल नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक क्विक फेशियल जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं, वो भी अंडर ₹500। मैंने यहाँ पे VLCC की फेशियल किट ऑर्डर करी है, जो कि है गोल्ड फेशियल। सबसे पहला स्टेप है कि अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मैंने यहाँ पे वो अप्लाई कर लिया है। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग, जो कि मैंने नहाते टाइम नहीं किया था अपने फेस पे। आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं VLCC की ये फेशियल किट, तो आप घर पे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 7 डेज पहले से ये स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके फेस पे शादी तक बहुत अच्छा ग्लो आ जाए। थर्ड स्टेप है ये गोल्ड जेल, जो कि मैंने फेस पे अप्लाई किया, मेरे फेस पे एक अलग सा शाइन आ गया था। उसके बाद मुझे अप्लाई करना था ये गोल्ड क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग थी, तो मैंने इसको यहाँ पे वो अप्लाई किया। उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ फेस मास्क, जो कि मैंने लिया है फ्रॉम द ब्रांड डॉक्टर शेड्स। इनका ये सल्फर फेस मास्क है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मेरी फेस पे पोर्स ओपन अप हो गए हैं स्क्रबिंग के बाद, वो सारे सारे से क्लोज हो जाएंगे और मेरी स्किन हील भी होगी, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, 10 से 15 मिनट रखूंगा, उसके बाद मैं ये फेस वॉश कर लूंगा। फेशियल का लास्ट स्टेप है ये मॉइस्चराइजिंग जेल अप्लाई करना, बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग था। इसके बाद मेरे पास ये जेड रोलर था, जो कि मैं यूजली यूज करता हूँ संडे टू संडे अपने स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि मेरी स्किन काफी ज्यादा अब डल होने लग गई है ड्यू टू एज फैक्टर। तो इससे आप अपनी स्किन की अच्छे से मसाज कर सकते हैं, अपलिफ्टिंग मसाज, जिससे आपकी स्किन टाइट रहे। आफ्टर इफेक्ट आप देख ही सकते हो, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा चमक रही है। अब बारी है मैनीक्योर की। हम लड़के डेफिनेटली बाहर जाके तो ये चीज़ नहीं कराते हैं, बट हाथों की और पैरों के नाखूनों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको घर पे ही कैसे मैनीक्योर पेडीक्योर कर सकते हैं और आपको बाहर जा कर के एम्बैरेसमेंट ना हो, तो आप सबसे पहले तो अपने नाखून काट लीजिए प्रॉपरली, उसके बाद उनको अच्छे से फॉइल भी कर लीजिए, जिससे कि कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर एजेस ना रहें आपके नाखूनों में। उसके बाद आपके पास कोई भी पुराना टूथब्रश पड़ा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा बॉडी वॉश ले लीजिए, उसको गीला कर लीजिए और अपने नाखूनों की अच्छे से मसाज करिए, स्क्रबिंग करिए, जिससे कि जितनी भी डेड स्किन है नाखूनों के पास, क्यूटिकल्स के पास, वो सारी की सारी निकल जाए और आपके नाखून और नेल्स एकदम हाइजीनिक लगने लगे। मैनीक्योर के बाद अब बारी आती है पेडीक्योर करने की। पैरों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, स्पेशली मेरे जो नाखून एरिया में बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बाल्टी में थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा बॉडी वॉश और जो मेरे पास कॉफी स्क्रब रखा था वो मैं डाल देता हूँ, एंड दैट्स इट। अपने पैरों को 10 मिनट के लिए उसमें सोक कर दीजिए, जिससे कि पैरों में जितना भी मैल है वो सारा का सारा फूल जाए और उसको निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। 10 मिनट के बाद इस टाइप का फूड स्क्रबर ले लीजिए, जो कि अमेज़न में ईजिली मिल जाता है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने पैरों को अच्छे से एक्सफोलिएट करिए, जिससे कि जितना भी डेड स्किन है आपके पैरों में जमा हुआ है वो सारा का सारा निकल जाए। आफ्टर एक्सफोलिएशन यू विल सी कि फूड स्क्रबर के ऊपर इतनी ज़्यादा डेड स्किन जमा है, एंड आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पैर इतने ज़्यादा गंदे थे। इसके बाद कोई भी साफ टॉवल से अपने पैरों को अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद जो हमने टूथब्रश और बॉडी वॉश से जो स्क्रबर बनाया था, उसी से आपको नाखून भी वापस से एक्सफोलिएट करने हैं, जिससे कि आपके पैरों के नाखून भी अच्छे से साफ हो जाएं, क्लीन लगें। उसके बाद इस टाइप का जो नेल कटर में होता है यूजली, जिससे आप पैरों की गंदगी को निकाल सकते हैं, नाखूनों के बीच की जो स्पेशली गंदगी होती है उसको निकाल सकते हैं, इससे आपके नाखून एकदम आराम से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि हमने पैरों को बहुत ज़्यादा सूख करके रखा हुआ था, इससे गंदगी निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड नाउ यू कैन सी पैर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा साफ सुथरे लग रहे हैं। सो ये हो गया हमारा पेडीक्योर। अब शादी का सीज़न है तो शेरवानी तो बनती ही है। मैं यहाँ पे अपनी शादी की शेरवानी निकाल रहा हूँ, जो कि मैंने काफ़ी सालों से नहीं पहनी है, ऑफकोर्स 1-1.5 साल से नहीं पहनी है। तो ये है मेरी शेरवानी
शेरवानी जो कि एकदम सिंपल है, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करे हैं। ये मेरी शेरवानी थी मुश्किल से 8 या 10 हज़ार के बीच की, क्योंकि मैंने लाजपत नगर से लोकल मार्केट से खरीदी थी। हम में से कई लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत महंगी शेरवानी खरीद लेते हैं, 50 हज़ार या कई कई लोग तो लाखों की शेरवानी खरीद लेते हैं। हम सबको पता है कि शादी वाले दिन के बाद हम उसको कभी नहीं पहनने वाले हैं, तो उसमें इसमें पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए मैंने एकदम सिंपल सी शेरवानी खरीदी है। इसके बाद गाइज आपको एक चीज़ और करनी है कि वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट 2 महीने पहले से, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम टोन लगे, आपकी जो भी सूट पहन रहे हैं शेरवानी पहन रहे हैं वो आप पे अच्छी लगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक माला पहन ली है जो कि मेरे पूरे लुक को एक रॉयल सा लुक दे रही है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चेन वॉच पहनी है एंड ऑफकोर्स अप्लाई अ गुड परफ्यूम। थोड़ा बहुत आप मेकअप भी कर सकते हैं जो कि मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है। एंड ये रही मेरी पगड़ी और ये हो गया मेरा शादी का लुक कंप्लीट। अब आप थोड़ी देर वेट करिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने अपनी खुद की शादी की कुछ क्लिप्स डाली हुई हैं, तो आप प्लीज़ उसको एंजॉय करिए। और ये रहा शादी का ग्रूमिंग रूटीन जो कि हर लड़के को फॉलो करना चाहिए जिसकी शादी है या फिर उसके परिवार में किसी की शादी है। आप अपना बेस्ट दिखिए क्योंकि लड़कियां बहुत सारी चीज़ें करती हैं अपना बेस्ट दिखने की, तो हम लड़के क्यों पीछे रहे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।